आपको पतंग उड़ानी है ना, तो कुछ इस तरीके से बढ़ाओ पहले, ताकि आपकी पतंग अच्छे से बढ़ जाए। तो देख सकते हो गाइस, जितनी आपकी पतंग अच्छी बढ़ेगी ना, उतना अच्छा पेच आप काट पाओगे। और पतंग देखो बटर पेपर का ना, ये सबसे ज़्यादा खासियत होती है कि ये पतंग बिल्कुल सुन रहती है। ड्रॉबैक, तुम कह रहे थे मोनोकाइट ले लो, ये ड्रॉबैक होता है मोनोकाइट का। ऐसे जब पतंग दूर कट जाए ना, तो उसके बाद लपेटते रहो गिट्टे को। जो 16 तार पांडा मांझा में और नॉर्मल मांझे में है ना, 12 तार में जो मतलब खींच लगती है, ढील लगती है भाई वो, उसमें ये मांझा सिर्फ ढील से पेचे लगाने के लिए, ढील से लगा देते हैं। क्योंकि देखो मोनोकाइट से हमेशा प्रेफरेंस यही है। वो गाइस देख सकते हो अटक गई है, और मैंने काट भी दिया पतंग। ओ ये मोनोकाइट बहुत लोगों की डिमांड थी, आदि भाई मोनोकाइट दिखा दो। तो भाई मोनोकाइट तुम्हारे सामने है, एग्जैक्टली जो मोनोकाइट तुम्हें चाहिए थी, प्लस पॉइंट्स। पतंग बहुत ज़बरदस्त है, एक ही बारी में उड़ गई, देखो गाइस, और बहुत प्यारी लग रही है। हल्की पतंग और सुन पतंग है, और ये मैंने खींच मारी, देखो बस ये पंगा है, यही कटती है। एग्जैक्टली मोनोकाइट मैं रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बोलते हैं ना भाई मोनोकाइट बहुत अच्छा है, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, पतंग कट चुकी है। ये ढील से लगा दिया इस मैंने, देखो, और ये कट गई बस, मतलब ये खींच मारी एक तरीके से बेसिकली, तो कट गई, यही चीज़ है। सो नेवर रिकमेंड दिस भाई, मत बाय करना है ऐसे प्रोडक्ट्स को। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी, आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य जी, और आप देख रहे हैं देसी बगी व्लॉग्स। और आज का वीडियो जो हो रहा है भाई, वो हो रहा है स्पेशली हमारी काइट व्लॉग के ऊपर। बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई काइट व्लॉग दिखा दो, तो आज हम बटर पेपर पतंग उड़ा रहे हैं विद 16 तार पांडा मांझा के साथ। अभी फिलहाल पतंग उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। और अगर वीडियो को पसंद आया भाई, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, और आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। अपनी पतंग उड़ा दी है, और पतंग देखो कितनी मस्त लग रही है। अभी थोड़ी सी हवा लग जाए इसे, फिर ऊपर करेंगे। ये देखो गाइस, और बहुत लोगों की डिमांड थी भाई, आदि भाई चाइनीज़ डोर से दिखा दो, तो भाई तुम्हारे सामने है। अब इसको पतंग को ना बढ़ाते हैं, और मज़ा आने वाला है तुम्हें। तुम देखो भाई साहब, ये देखो गाइस, ये देखो। सो चाइनीज़ डोर का ना बस एक ही है कि आप इसमें ना तो खींच मार सकते हो ना कर सकते हो, बस सिर्फ ढील लगाओ। और यार ये पतंग बहुत बेकार है सही में, मतलब ये पतंगें ना कभी मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ठीक है चल रही है तो उड़ाओ। और चाइनीज़ डोर, ये मोनोकाइट बहुत लोगों की डिमांड थी, आदि भाई मोनोकाइट दिखा दो, तो भाई मोनोकाइट तुम्हारे सामने है, एग्जैक्टली जो मोनोकाइट तुम्हें चाहिए थी। और पतंग देख लो कितनी सही है, सुनना है, क्योंकि कन्ने उस तरीके से बांधे जिस तरीके से तुम्हें चाहिए थे। पेचे लड़ाएँ क्या? काइट और मोनोकाइट उड़ाने का फ़ायदा ये, देखो बारिश वाला मौसम है, तो पतंग देखो कितनी प्यारी लग रही है, यही चीज़ बता रहा था मैं तुम्हें। चलो भाई इससे लगा लेते हैं, ढील से लगा देते हैं, क्योंकि देखो मोनोकाइट से हमेशा प्रेफरेंस यही है। वो गाइस देख सकते हो अटक गई है, और मैंने काट भी दिया पतंग, ऐसे काट दिया पतंग को, पूरी पतंग ही फाड़ दी भाई भाई की मैंने। ओ वो ड्रॉबैक, तुम कह रहे थे मोनोकाइट ले लो, ये ड्रॉबैक होता है मोनोकाइट का। ऐसे जब पतंग दूर कट जाए ना, तो उसके बाद लपेटते रहो गिट्टे को। भाई मैं ऐसी चीज़ें प्रेफरेंस नहीं करता यार, बिल्कुल भी भाई, और मैं इसे रिकमेंड भी नहीं करता। ये इतना खास मांझा मेरे को लगता नहीं है। जो 16 तार पांडा मांझा में और नॉर्मल मांझे में है ना, 12 तार में जो मतलब खींच लगती है, ढील लगती है भाई वो, उसमें ये मांझा सिर्फ ढील से पेचे लगाने के लिए। खैर हमने एक पेचा काट दिया था, लेकिन एक अगली बारी हमारी कट गई, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ गाइस। ये वाली पतंग पुछड़ी पतंग, और ये उड़ती हुई बहुत प्यारी लगने वाली है, तो हम उड़ाते हैं इसे। और इसे भी मैं उड़ा रहा हूँ भाई मोनोकाइट से, बहुत डिमांड थी सब्सक्राइबर्स की भाई के मोनोकाइट से दिखा दो आदि भाई। लो भाई तुम्हें आज मोनोकाइट से दिखाते हैं। कन्ने भी मैंने गाइस इसी से ही बांधे हैं, कि कल को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बांधने को मैं सद्दी से बांध सकता था, लेकिन सद्दी ना फिर घूमती है, क्योंकि ये मांझा जो है ना अजीब सा है, तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन भाई क्योंकि इससे उड़ाने के बाद ना सिर्फ पेचे भी आप ढील से लगा सकते हो, तो इसे उड़ाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसके ड्रॉबैक और प्लस पॉइंट्स।
पतंग बहुत ज़बरदस्त है, एक ही बारी में उड़ गई, देखो गाइस, और बहुत प्यारी लग रही है, हल्की पतंग और सुन पतंग है। अब आएगा मज़ा असली, क्योंकि ये पतंग बिल्कुल सुन होने वाली है। देखो गाइस तुम्हारे सामने है प्यारी पतंग, और उड़ा किससे रहूँ मैं, बढ़िया, बहुत प्यारी, सीरियसली गाइस, मतलब देखो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, पतंग उड़ाओ तो ऐसे उड़ाओ कि मज़ा आए। लगाते हैं पेज से, और देखो भाई बढ़ाने का तरीका मोनोकाइट से हमेशा एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ऐसे ही बढ़ाओ। देखो गाइस ये रहा मोनो जो तुमने बोला था, बढ़ा रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ पतंग अपनी फुल, मुझे नहीं पता संभलेगी नहीं संभलेगी, बट कोई नहीं संभाल लेंगे। अब नीचे रखते हैं इसको और फिर ढील लेते रहेंगे इससे ऐसे, और वहाँ से पतंग उड़ाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है भाई, पतंग बहुत भारी हो गई है, घूम भी नहीं रही, बट घुमा ही लेंगे ढील दे दे के। ओहो हो 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 हो, क्या खींच लग रही है भाई साहब, देखो भाई कैसे खींच लग रही है इसकी, लेकिन ये मोनोकाइट है ना, इसमें खींच लगेगी ही नहीं मेरी, क्या करूँ मैं। और ये लेके गया मैं गाइस, और ये मैंने खींच मारी, देखो बस ये पंगा है, ये ही कटती है एग्जैक्टली। मोनोकाइट मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी नहीं, जो लोग बोलते हैं ना भाई मोनोकाइट बहुत अच्छा है, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, पतंग कट चुकी है, इसीलिए मैं नहीं उड़ाता मोनोकाइट। इसे बस ढील से लगा के बढ़ाते रहो, और लोग तुम्हारा मांझा खींचते रहें खींचते रहें खींचते रहें। एक्सपेरिमेंट, और हवा तेज़ है तो इसको उड़ाते हैं और फिर चलते हैं, व्लॉग को करते हैं एंड, बिकॉज हवा हो गई है तेज बहुत मज़ेदार। पतंग भी एक आधी उड़ रही है, किदुक्की ये उड़ा के दिखाते हैं आपको, होपफुली ये उड़ जाए, अच्छी उड़े बस मैं तो ये बोल रहा हूँ। उड़ गए गाइस, सो देखो गाइस ये सुन पतंग है, इसको उड़ा देते हैं, बना देते हैं और पेज से लगाते हैं, ढील से लगाते हैं। अब देखो यूजुअली मैं क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि ये पतंग ना सिर्फ ढील ढील से मांझे से ढील लगाने के लिए है, आई बो काटे हो गई। सो बस यही चीज़ है, आपको समझ आ गया होगा, खींच से कभी भी पेचे मत लगाओ, स्पेशली मोनोकाइट से, मोनोफाइट जो भी है, मोनोकाइट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आगे और लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको ढील ढील से, अगर दिख रहा हो आपको ये तो, ये ढील से लगा दिया गाइस मैंने, देखो, और ये कट गई बस, मतलब ये खींच मारी एक तरीके से बेसिकली तो कट गई, यही चीज़ है। सो नेवर रिकमेंड दिस भाई, मत बाय करना है ऐसे प्रोडक्ट्स को, और 16 तार पांडा मान जा लो, मैं तो यही बोलता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ यूजुअली ये दिखाई थी, वरना मैंने आज तक अपनी पतंग 16 तार से जब भी उड़ाई है ना, किसी में दम नहीं है कि कोई काट सके, जिस तरीके से मैं पेचे लगाता हूँ। और ये चाइनीज़ डोर वोर भाई नेवर रिकमेंड, भाई मत उड़ाओ, ये मैं वैसे भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार मन रखना, बाय बाय गाइज़।